Hi everyone, this is Mayank Kothari. Today I'm going to discuss with you everything about the strategic financial management in video lectures के बारे में और आने वाले attempt में exam के लिए कैसे preparation करनी है SFM की. Everything we are going to discuss in this video. So आपने जो ये fast track batch लिया है, इसके अंदर में आपको एक book आई होगी, एक index sheet आई होगी, कुछ video lecture guide, installation guide, ये भी extra में होगा, plus एक pen drive जिसमें आपके सारे video lectures हैं. उस pen drive को install करने के बाद में जब आप शुरू करोगे पढ़ना, लाइक नेक्स्ट वीडियो से जब आप शुरू करोगे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट किस तरह से इन वीडियोस को आपको यूज़ करना है. सो एक गलत अप्रोच अगर आपने यूज़ किया, एक गलत अप्रोच आपने फॉलो किया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सब चीज़ों का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्प्लीट दिस वीडियो एंटायरली, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो. सो आपको एक बुक आई होगी साथ में, उस बुक में आपके तीन सेक्शन है. सो द बुक जो होगी वो इस तरह से होगी कुछ आपकी, ठीक है. अब आप अगर देखोगे इसमें तीन सेक्शन है, एक तो क्वेश्चन बुक है, एक रिविजनरी नोट्स है और एक थ्योरी के नोट्स है. क्वेश्चन बुक में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है जो कि हम वीडियो लेक्चर्स में लेने वाले हैं आने वाले हर चैप्टर में. उसके बाद में रिवीजन के नोट्स है. इन केस अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपने पढ़ लिया, देख लिया और उसके बाद में भी कभी आपको बाद में रेफ़र करना पड़ा बिना वीडियो के, तो एवरी कॉन्सेप्ट इज़ कवर्ड इन द रिविजनरी नोट्स. आप देख सकते हैं 114 पेज के रिविजनरी नोट्स है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. अगर आपको ये सब नहीं पढ़ना तो चार्ट्स भी आपको साथ में आए हैं. ये चार्ट्स को तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एवरी डे यू रिवाइज इट अंटिल योर एग्जाम. जब आप हर चार्ट को 10 बार रिवाइज कर लेंगे, सो रिवाइज भी कैसे करना, कंसेप्चुअली, मतलब एक बार आपने वीडियो लेक्चर्स अगर देख लिया उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसके बाद रिविजन आप शुरू कर दो उस चैप्टर के चार्ट्स के थ्रू. सो डे बाई डे जब आप 5-7 बार चले जाओगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी कि ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है. एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इस क्वेश्चन का इम्पैक्ट पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ पड़ता है या कैसे ये दूसरे चैप्टर से लिंक किया हुआ है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बुक. उसके बाद थेरी नोट्स है, 16 मार्क की थेरी आती है SFM में लास्ट में, उसके लिए 88 पेजेस के नोट्स दिए मैंने. आप चाहो तो इसमें से पढ़ लो. अगर आपको ये नहीं पढ़ना तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है, प्रैक्टिस मैनुअल की थेरी, उसमें से भी आप पढ़ लो. प्रैक्टिस मैनुअल की सारी थेरी इसमें कवर्ड है, सो इधर ऑफ द टू, लेकिन कोई भी एक फॉलो कर लो, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों चीज़ों में आप नज़र फिराते बैठो, ठीक है. सो हाउ टू गो विद द वीडियो लेक्चर्स. टोटल में अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने पास में 309 वीडियोस है जो कि आपको देखना है फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए. सो 309 सीम्स लिटिल मोर, बट हर वीडियो आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे बेस्ड है. हर कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो है, तो हो सकता है कोई वीडियो 4 मिनट में ख़त्म हो जाए, हो सकता है कोई वीडियो 25 या 30 मिनट में ख़त्म हो जाए. एक एक घंटे वाले वीडियोज नहीं हैं. सो सारे के सारे छोटे वीडियोज होने के वजह से फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि अगर आपके कुछ एरियाज ऐसे जो आपको समझते हैं, जैसे कि मान लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया, या बीटा या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आपको इजीली आता है, तो वो वीडियो आप स्किप करके 25 मिनट 20 मिनट या 5 मिनट भी आपके बचा सकते हो. ऐसे कर करके टोटल ये जो 80 घंटे की वीडियोज़ है उसको आप कम कर सकते हो. तो मैं मान के चलता हूँ अराउंड 60 आवर्स या 60 to 70 आवर्स का आप कंटेंट देखोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन वॉच एवरी वीडियो एट स्पीड, सो यू कैन अगेन सेव द टाइम. स्पीड में देखना यानी क्या हो गया, 70 आवर्स के वीडियोज़ को अगर आप 1.5 की स्पीड में देखते हैं तो आपके 50 घंटे में सब कुछ कवर अप हो जाता है, फास्ट ट्रैक वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे. सो दिस इज़ टाइम सेविंग ऑल्सो, बिकॉज इस टाइम पे जब अटेम्प्ट बहुत नज़दीक होता है तब टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वी नीड टू सेव इट. सो मैं तो आपको इंश्योर ये करूँगा कि जो वीडियो में आप, जो कॉन्सेप्ट में आप वीक हो उसको 3 बार देखो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको ईजी लगता है उस वीडियो को पर्टिकुलरली छोड़ दो. कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में आपको और एक बार सजेस्ट करूँगा कि मत छोड़िए, लेकिन क्वेश्चन वाले वीडियोस अगर आपको लगता है तो आप वो छोड़ सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन ईजिली आता है तो. नाउ नेक्स्ट चैप्टर जब आपका शुरू होगा कैपिटल बजटिंग का, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि सीक्वेंस फॉलो करना, कोई भी चैप्टर बीच में से मत उठाना, क्योंकि हर चैप्टर को अरेंज वैसे ही किया हुआ है. हो सकता है आप डायरेक्ट मर्जर्स उठा लो, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो जो कि अभी डिस्कस किए हुए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कैपिटल बजटिंग में, तो वहाँ जाके आपको दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज़ अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि गो विद द सीक्वेंस ओनली. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो पार्ट है कैपिटल बजटिंग में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द सीए फाइनल और उस पर एग्जैक्टली कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, स्पेशली परपेचुटी और एन्युटी, ये सारे यूज़ किए गए हैं बहुत सारे चैप्टर्स में.
So unless and until you are clear with the concept, it doesn't make any sense doing questions from the derivatives, questions from the mergers and acquisition, questions from the portfolio and leasing and decision chapter and dividend decision chapters. सो मेक श्योर कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वीडियोज एटलीस्ट आप दो बार देखो. कौन से वीडियो? एक तो परपेचुटी वाला और एक तो एनुटी वाला. ये चीज़ नोट करके रख लेना. ओके सो 309 वीडियोज है. इंडेक्स शीट आपको दी हुई है. सी आपके पास में इंडेक्स शीट आई होगी ऐसी कुछ. ठीक है, जैसे जैसे वीडियो खत्म होता है आप मार्किंग करते जाइए. यहाँ पे डन और इम्पॉर्टेंट, आपको लगता है कोई वीडियो इंपॉर्टेंट है जस्ट गो थ्रू इट, मार्क कर लो ताकि रिविजन करते टाइम पे आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी. हर एक का टाइम दिया हुआ है. जैसे आप देखोगे स्टार्टिंग में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर अप किया हुआ है बहुत सारे वीडियोज़ में. सो मैं जो बोल रहा था ये वाले दो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके कूल. उसके बाद में कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और ऐसे कर करके सारे चैप्टर्स आपको कवर अप करना है. एक बार सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स इस तरह से देखना हो गए, उसके बाद उठाना प्रैक्टिस मैनुअल. ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस के वीडियोस जब आप देखोगे तो मेक श्योर कि क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद में आप आंसर देखो वीडियो में. अच्छा, जब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे और अगर पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है तो इट्स बेटर टू गो थ्रू द फाइनल आंसर इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द वीडियो. करेक्ट. तो ये फाइनल आंसर अगर आपको देखना है तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मेल पे. आपके कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको मेल आ जाएगा कि स्लाइड्स जो है क्वेश्चंस की जो स्लाइड्स है वो आपको मिल जाएगी. ये लिंक आपको गूगल ड्राइव की मिलेगी. सी आपके लिए अप्लीकेबल है मई 2018 ओल्ड सिलेबस. और यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर फोल्डर में मैं फाइनल आंसर्स डाल दूंगा, स्लाइड्स डाल दूंगा. जैसे नवंबर 17 में अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो ये देखो फास्ट ट्रैक की स्लाइड्स है नवंबर 2017 की. तो हर चैप्टर की आपको यहाँ पे स्लाइड्स मिलेगी, उसमें आप सारे आंसर आपके क्रॉस चेक कर सकते हैं. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्लाइड मतलब फाइनल आंसर आपको पता चल जाएगा कि चलो ठीक है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ये है तो मेरे को अब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गो थ्रू द आंसर्स. अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि अगर आपके वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप प्रैक्टिस मैनुअल उठाइए, प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस करिए. फास्ट ट्रैक वीडियो लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल, अगर आप ये दो चीज़ें कंबाइन कर लेते तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. फास्ट ट्रैक वीडियो लेक्चर से फ़ायदा क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और एक हद तक प्रैक्टिस होती है. ठीक है, इसी पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिस एक हद तक. और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रैक्टिस मैनुअल से कंप्लीट की जा सकती है. इंस्टीट्यूट के मटेरियल जैसा और कोई मटेरियल नहीं है. इंस्टेड लाइक इनफैक्ट अगर आपके पास में टाइम कम हो तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल करो, फिर अपने बुक के क्वेश्चन करो. किसी भी ऑथर की बुक काम की नहीं है. सबसे पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल और उसके बाद आप ऑथर के बुक पे आएंगे या ऑथर के क्लासेस के लिए या वीडियो लेक्चर्स के लिए ऑप्ट करेंगे. सो इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो. क्वेश्चंस भले ही सेम होगा दोनों मटेरियल में, स्टिल गो एंड सॉल्व द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल. तो आपने एक बार वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, आपने प्रैक्टिस मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में ये इस दौरान सॉरी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो पूछिए. व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और कॉन्फ्रेंसा प्लेयर के थ्रू भी पूछ सकते हो. और इसके बाद में आप सॉल्व करो पास्ट एग्ज़ाम पेपर. एग्ज़ाम कंडीशन में बैठ के एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करो. एटलीस्ट 6 पेपर तो भी सॉल्व करना है आपने SFM के. डाउनलोड करो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से एंड गो एंड अटेम्प्ट फॉर द पेपर्स. अगर कहीं टेस्ट सीरीज नहीं हो रही तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी काम चलाया जा सकता है. ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे 3 घंटे बैठ के लिखना. और जब नर्वस होते हैं ना 3 घंटे में कंप्लीट करने की, हमारे ऊपर में तलवार अटकी होती है, तब हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. पिछले 4 सालों में जितने भी पेपर्स मैंने चेक किए हैं, जब एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, वो भी सिली मिस्टेक्स. कैलकुलेशन 459 को 495 लिख दिया और आगे के सारे आंसर गलत हो गए. स्टार्टिंग का आंसर गलत हो तो आगे के सारे आंसर गलत हो जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे. डोंट मेक सच मिस्टेक्स. घर पे प्रैक्टिस करके फेल होना चलेगा, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस करके फेल होना इज नॉट अ गुड आइडिया. सो गो अहेड विद दिस प्रोसीजर, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस मैनुअल एंड आस्किंग द डाउट्स इन बिटवीन एंड देन डूइंग द पास्ट एग्जाम पेपर्स. दिस इज हाउ यू कैन कवर अप एवरीथिंग इन द वीडियो लेक्चर्स. अच्छा कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम जाए, हेल्प लगे कहीं पे, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7875
5544044 ये कॉन्फ्रेंसा का टेक्निकल टीम का नंबर है। अगर आपके वीडियो लेक्चर्स नहीं चल रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है उसमें तो आप इनको कॉन्टैक्ट करो। मेक श्योर कि इंस्टॉलेशन गाइड आप बहुत अच्छे से पढ़ लो पहले, क्योंकि ये लोग अवेलेबल रहेंगे आपके पास में सिर्फ 10 से 6 बजे तक, ठीक है। उसमें भी लंच टाइम में अगर अवेलेबल नहीं रहे तो आपका ये टाइम चला जाएगा, उसके बाद में अगर किसी और के कॉल अटेंड कर रहे हैं तो ये भी टाइम आपका चला जाएगा। सो अननेसेसरी वो इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने के लिए एक बार आप इंस्टॉलेशन गाइड को ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना इनको कॉन्टैक्ट करने के पहले। एंड येस, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ एनी थिंग। अगर फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है तो डोंट वरी, दे विल कॉल यू बैक। ऑल्सो द मोस्ट प्रिफरेबल थिंग, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, अगर मैं तो सजेस्ट करूँगा कॉल मत करो, बट ड्रॉप अ मेल। आप मेल ड्रॉप करना अगर आपको कहीं पे भी इशू आता है तो conferenza.in@gmail.com। अब होता क्या है, ये लोग टेक्निकल टीम वाले रोज़ मेल देखते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और एक्सपेक्ट करो कि आप जब भी क्वेरी रेज करोगे उसको कम से कम 24 hours to 48 hours लगेंगे क्वेरी को सॉल्व होने में। कुछ कुछ जल्दी हो सकती है, कुछ कुछ में टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ द अदर वर्क ऑल्सो। कहीं पे भी कुछ भी सॉल्यूशन ना मिले या स्टाफ आपको सपोर्ट ना करे, आप मेरे को डायरेक्टली मेल करो। मैं रोज़ एक बार ईमेल आईडी देखता हूँ और पता लगाता हूँ कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे को मेल कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ सेफ, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो मैंने आपको एक टेक्निकल चीज़ें बता दी कि अगर आपके वीडियो लेक्चर्स नहीं चलते तो फिर कैसे ऑप्ट करना है। सो मैंने प्रोसीजर भी आपको बता दी SFM के लिए पढ़ना कैसे है। रोज़ के तकरीबन 2.5 घंटे के मैक्सिमम आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखो, उससे ज़्यादा देखोगे ज़्यादा रिटेन रह नहीं पाएगा। सो सिर्फ ख़त्म करना है इसके लिए मत देखना, इट्स माई रिक्वेस्ट। कंसेप्ट समझने चाहिए और इंस्टीट्यूट का मटेरियल इंपॉर्टेंट है ये लेके चलो। कोई भी क्लासेस आप ये भी वीडियो लेक्चर्स यूज़ करो, लेकिन डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज वीडियो लेक्चर्स। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। जिस दिन आप फेल होते हो उस दिन किसी को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है, आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को ही करना है। आई एम देयर टू गाइड यू ऑल द टाइम। वीडियो लेक्चर्स भी आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड फॉर एनी क्लासेस। दे कैन नॉट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम, दे कैन जस्ट गाइड यू थ्रू द कॉन्सेप्ट्स। अल्टीमेट पर्सन एंड द अल्टीमेट एफर्ट्स आर टू बी पुट बाय यू ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट द फास्ट ट्रैक वीडियो लेक्चर्स। आई नो वी आर गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप एंड कॉन्फ्रेंस प्लेयर फॉर ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो मेक श्योर इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप मी अ मेल एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। ओके, सो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे आपके सिस्टम में, उसमें आपको इंडेक्स शीट में भी मिल जाए, सॉरी वीडियो लेक्चर गाइड में भी मिलेगा, बट फिर भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, गो and ask me the queries. Save this number and ask me the queries whenever you come across any doubt in SFM. अच्छा, अपडेट्स के बारे में क्या होता है, यूट्यूब पे जो चैनल है CA मयंक कोठारी का, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू दैट फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग। एंड उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं काफ़ी अपडेट्स देता हूँ, तो यू कैन आस्क मी टू सेंड यू द लिंक ओवर व्हाट्सएप फॉर आस्किंग द डाउट्स, सॉरी फॉर एडिंग इन द ग्रुप। सिर्फ दो ही क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाउट सॉल्व करता हूँ, वो हो गया व्हाट्सएप और एक हो गया कॉन्फ्रेंसा प्लेयर। ऑल्सो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है मेल पे, सर क्वेरी सॉल्व कर दो मेरा व्हाट्सएप नहीं है, सर टेक्स्ट मैसेज में क्वेरी सॉल्व कर दो व्हाट्सएप नहीं है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं 4-5 प्लेटफॉर्म्स एक साथ माइंड में रखूँ, रोज़ विजिट करूँ, देखूँ कि क्वेरी आई कि नहीं आई। इसीलिए मैंने दो प्लेटफॉर्म्स रखे हैं सिर्फ। अगर व्हाट्सएप नहीं जमता तो प्लीज़ यूज़ द कॉन्फ्रेंसा प्लेयर। I hope you are going to go through, I hope you are going to have a good experience with the video lectures. If you find any kind of issues with the video lectures, do support me by giving a feedback. Bye-bye.